फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी टॉपिक पर हम आज डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लेके आएंगे और इसके बारे में पूरा फुल डिस्कस करेंगे, यानी ये तीनों के बारे में और यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री इसका उदाहरण सब। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप कि इसके जो कंपेरिजन है फ्रेंड्स, इसमें जैसे छोटा छोटा होता है कि ब्रेव का ब्रेवर, बेवरेस्ट और फ्रेंड जैसे मान लीजिए स्मॉल का स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में सब क्लियर कर दूंगा, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स, और थोड़े बच्चे थे यहाँ पे जैसे कलर गिरा दिए हैं इसके, मैंने थोड़ा पानी छीट दिए इससे, तो मैं नोट बना रहा था फ्रेंड्स। यहाँ पे जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण एडजेक्टिव की तुलनात्मक अवस्था, यानी कि फ्रेंड्स इसमें जैसे तुलनात्मक, यानी कि मान लीजिए जैसे गुड गुड बेटर बेस्ट, यानी कि फ्रेंड्स जैसे गुड माने अच्छा और बेटर माने अधिक अच्छा, मतलब उससे जो गुड है उससे अच्छा थोड़ा, और जो बेस्ट है वह जो बेटर से भी थोड़ा, मतलब सबसे अच्छा समझ लीजिए वो। और यहाँ पे देख लीजिए, जैसे तीन अवस्थाएं होती हैं, पॉजिटिव डिग्री मूल अवस्था, और दूसरा है कॉम्परेटिव डिग्री उच्चतर अवस्था, और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री उच्चतम अवस्था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे पॉजिटिव डिग्री, जब किसी विशेषण एडजेक्टिव से करना हो, यानी कि जब किसी विशेषण का प्रयोग सामान्य रूप से करना हो तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी के लिए गुड का प्रयोग किया जाए तो वह सामान्य, यानी कि वह पॉजिटिव डिग्री में आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मुकेश इज टाल बॉय, हरी इज वाइज। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जैसे मुकेश एक लंबा लड़का है, यानी कि ये जो अगर हम लोग ये मतलब दो लड़कों में से मान लीजिए मुकेश और सोहन में से सबसे मुकेश जो लंबा है तो हम टालर करते थे, टी ए डब्ल एल ई आर टालर। और यदि मुकेश मोहन सोहन से सबसे लंबा है तो यहाँ पे जैसे टॉलेस्ट है, तो यहाँ पे टी ए डब्ल एल ई एस टी, अभी हम आगे देखेंगे इसके बाद। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हरी इज वाइज, यानी कि हरी एक बुद्धिमान है, यानी सिंपल है, मतलब किसी से तुलना नहीं की जाए, बस विद्वान है वो। और यहाँ पे जैसे कॉम्परेटिव डिग्री देखिए, जब किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के गुण या दोष की तुलना किसी अन्य व्यक्ति वस्तु या स्थान के गुण या दोष से प्रकट की जाती है, यानी फ्रेंड जैसे मान लीजिए दो लोगों में से मान लीजिए मोहन सोहन से अच्छा है, तो फ्रेंड्स इसमें जैसे सोहन है उससे मतलब तुलना की जा रही है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे समझे होंगे कि तुलना हो रही है। तो अब जैसे मान लीजिए कंपेरिजन नहीं बोलते हम लोग, कंपेरिजन चला हो जाए, कंपेरिजन ये सब ऐसे लोग बोलते हैं हम। तो यहाँ पे फ्रेंड जैसे आप समझिए, जब किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के गुण या दोष की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के स्थान, यानी मान लीजिए एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति से, अगर इसमें मान लीजिए व्यक्ति ना हो, वह वस्तु भी हो सकता है, स्थान भी हो सकता है, उसकी तुलना मतलब दूसरे वस्तु व्यक्ति या स्थान से की जाए तो उसे हम लोग कॉम्परेटिव डिग्री बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपको पूरी इसमें एडजेक्टिव पूरी समझ में आ जाएगी, एक ही वीडियो में आपको ज़्यादा वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए, कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, जैसे मुकेश इज टालर देन विजय, यानी कि फ्रेंड मैं वही उदाहरण लिखा हूँ जिससे आपको पूरी तरह समझ में आए। जैसे मुकेश इज टालर देन, यानी मुकेश जो है विजय से अधिक लंबा है, यानी थोड़ा लंबा अधिक। और यहाँ पे जैसे देखिए दूसरा उदाहरण है, हरी इज वाइजर देन प्रकाश, यानी कि जो वही वाला उदाहरण है, हरी प्रकाश की अपेक्षा बुद्धिमान है। तो यहाँ पे जैसे उसकी मतलब प्रकाश की अपेक्षा, तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे आई होप। यहाँ पे जैसे सुपरलेटिव डिग्री देखते हैं हम लोग, जब किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के गुण या दोष की तुलना उस वर्ग के अन्य सभी व्यक्तियों वस्तुओं या स्थानों के गुण या दोष से की जाती है तो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कई समूह है और उसमें से मान लीजिए 10-12 लोगों का समूह है, उसमें मोहन जो सबसे अच्छा है तो हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। या तो फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए 2-3 लड़के हैं, उसमें से आप बहुत अच्छे हैं तो आपको सुपरलेटिव डिग्री में, जैसे मान लीजिए जैसे मुकेश इज द टॉलेस्ट बॉय इन द फैमिली, यानी कि मुकेश अपने परिवार के लड़कों में सबसे लंबा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे परिवार के लड़कों में, वैसे मान लीजिए इसमें हरी है तो अपने क्लास के सभी लड़कों में से बुद्धिमान है। तो उसी प्रकार जैसे समूह हो गया, समूह या तो 2 से अधिक रहें या तो समूह रहें, तो बस इसमें आपको सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना है। फ्रेंड्स, ये जब आपको वाक्य बनाएंगे तो इसका प्रयोग होता है, इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो में कोई गड़बड़ी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, नोट्स, इसके मतलब कुछ
कुछ मतलब पॉइंट हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म डिग्री का प्रयोग होता है, जैसे आप गुड है तो गुड ही। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं तीसरा दूसरा है कॉम्परेटिव डिग्री में समानता एडजेक्टिव की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने पहले ऊपर बताया गुड रहेगा और उसकी जो सेकेंड फॉर्म है बेटर होता है, और उसमें सेकेंड फॉर्म जैसे बेटर लगाएंगे, जैसे मान लीजिए एडजेक्टिव के बाद देन आता है सेकेंड डिग्री में जैसे सेकेंड डिग्री के का प्रयोग होता है और सेकेंड डिग्री के एडजेक्टिव के बाद देन आता है, यानी कि फ्रेंड्स इसमें देन लगाना आवश्यक है तभी ये कॉम्परेटिव डिग्री बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे और हम लोग देख लेते हैं इसके नियम, और नियम से हम आपको पूरा समझाएंगे कैसे मतलब ये कोल्डर हो जाएगा, कोल्डर कोल्डेस्ट हो जाएगा, मतलब ये सब आपको पूरा फुल समझाएंगे। और इसमें मैं बहुत सारे लिया हूँ, जैसे देखिए अभी अगले पिक्चर फ्रेंड्स, तो बहुत ही मेहनत लगी वीडियो बनाना, प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी। जैसे देखिए पहला नियम है पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद ई आर बढ़ाने से कॉम्परेटिव डिग्री और ई एच टी बढ़ाने से सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देख लीजिए, जैसे पॉजिटिव कॉम्परेटिव सुपरलेटिव डिग्री कोल्ड कोल्डर कोल्डेस्ट डीप डीपर डीपर, यानी फ्रेंड्स इसमें जैसे कोल्ड रहेगा तो उसमें हम लोग ई आर लगा देंगे तो कॉम्परेटिव हो जाएगा और सुपरलेटिव हो जाएगा ई एच टी लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ये सिंपल नियम है, इसके बाद अभी आपको हार्ड हार्ड नियम आएंगे जो आपको अच्छी तरह समझ नहीं आएंगे, लेकिन हम मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा पूरा फुल। यहाँ पे जैसे ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट हाई हायर हायरेस्ट, तो यहाँ पे काइंड काइंडर काइंडेस्ट पुअर पुअर पुअरेस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप समझ गए होंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक और बचा है, उसके बाद हम लोग अगला नियम देखेंगे स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे देखिए दूसरा नियम फ्रेंड्स, यदि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में ई हो तो कॉम्परेटिव डिग्री बनाने के लिए उसमें आर तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ई ई नहीं एस टी बढ़ा देते हैं फ्रेंड्स। इसमें जैसे इस्तेमाल था और इसमें मतलब ई लास्ट में नहीं था, यदि कोई एडजेक्टिव हो और उसमें ई लगा जाए लग दिया जाए तो इसमें आपको आर से लगाना है और लास्ट में एस टी जोड़ना है मतलब इसमें वाले में। तो फ्रेंड्स उसी प्रकार इसमें जैसे ब्रेवर ई है पहले से ही, इसमें भी ई है, और तो आपको इसमें सिर्फ आर लगाना है और सुपरलेटिव डिग्री में या एस टी लगाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे समझे होंगे ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट फाइन फाइनर फाइनेस्ट लार्ज लार्जर लार्जेस्ट नेवल में श्रेष्ठ होता है नेवलर नेवलेस्ट और वाइज बुद्धिमान वाइज से वाइजर फ्रेंड्स वाइजर वाइजेस्ट फ्रेंड्स। और हम लोग आगे नियम देखेंगे, थोड़ा हार्ड हो सकता नियम। यहाँ पे देखिए यदि किसी एडजेक्टिव विशेषण के अंत में वाई हो और उसके पहले को व्यंजन उसके पहले व्यंजन में, यानी फ्रेंड्स लास्ट में जो एडजेक्टिव है उसमें वाई हो और उसके पहले, यानी कि मतलब जैसे मान लीजिए ईजी है तो इसके पहले क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, इसके पहले आपको कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो कॉम्परेटिव डिग्री के स्थान वाई के स्थान पर आई ई आर, यानी कि जो वाई है उसको आई में बदल देंगे हम लोग, और सुपरलेटिव डिग्री के लिए वाई के स्थान पर आई ई एस टी लिखते हैं फ्रेंड्स। थोड़ी एक छोटी लड़की थी वह पानी गिरा दी, तो उसमें माफ़ कीजिएगा इसके लिए। यहाँ पे जैसे देखिए पॉजिटिव डिग्री कॉम्परेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री ई जी ई जी का वजह से मान लीजिए ये वाई है और इसके पहले ये कॉन्सोनेंट है वावेल नहीं बन कॉन्सोनेंट है कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे हम लोग इसके स्थान पर मतलब ई एस आने देंगे यहाँ तक, और ये वाई है इसको कट करके मतलब हटा देंगे और यहाँ पे आई ई आर लगा देंगे, और आई आई जैसे यहाँ पे इजेस्ट और यहाँ पे हैवी जैसे यहाँ पे भी फ्रेंड्स ये कॉन्सोनेंट है उसे हैवियर हैवीएस्ट हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट मैरी मैरियर मैरियस्ट और वेल्दी वेल्डर और वेल्दिस्ट, यानी फ्रेंड्स में इसका मतलब धनी होता है। और फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया आई होप। यहाँ पे जैसे नियम फोर इसका है, यदि किसी एडजेक्टिव के अंतिम कॉन्सोनेंट से पहले कोई स्वर वाब, यानी फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए हाँ स्वर हो और हो तो कॉम्परेटिव डिग्री में ई आर और सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी बढ़ाने से पहले अंतिम अक्षर। फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे और भी इसके नियम है तो उसको नियम को पूरा देख लीजिए, उसके बाद हम लोग वाक्य बनाएंगे। यहाँ पे जैसे दो बार लिखते हैं फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए
कोई अंतिम वर्ड कंसोनेंट है और उसके बाद यदि कोई ओवेल हो, वावेल मतलब एक वर्ड है लास्ट वाला जो वर्ड है और उसके बाद आई हो, मतलब इसका नियम है, तो इसके नियम कहने का मतलब, और उसके बाद वावेल हो, तो हम लोग जैसे जो ये लास्ट वाला वर्ड होता है उसको हम लोग डबल कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी है हॉट है फ्रेंड्स, ये वो जो ये सब वावेल हैं, तो हम लोग इसको जो इस जो टी है इसको डबल कर देंगे, यहाँ पे भी टी, यहाँ पे जी डबल कर देंगे, यहाँ पे डी डबल कर देंगे, इस प्रकार। देखिए यहाँ पे बिग है बिगर बिगेस्ट, फैट है फैटर फैटेस्ट, हॉट है हॉटर हॉटेस्ट, रेड का लाल, रेडेस्ट, और यहाँ पे सैड है सैडर, और सैडर सैडेस्ट, थिनर थिनेस्ट, वेट वीटर वेटेस्ट। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा, हम लोग पाँचवें नियम को देख लेते हैं। फ्रेंड्स एक ही वीडियो में मैं पूरा क्लियर कर दिया हूँ, और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पे देखिए कुछ एडजेक्टिव विशेषणों की कॉम्परेटिव डिग्री में मोर और सुपरलेटिव डिग्री में बनाने के लिए मोस्ट का प्रयोग एडजेक्टिव में करते हैं। फ्रेंड्स जैसे नहीं आप बोलते हैं मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो मतलब जैसे लड़की सुंदर है और लड़की उससे मोहिनी से भी सुंदर है, मान लीजिए सोहिनी है वह मोहिनी से भी सुंदर है, तो इसे हम लोग मोर ब्यूटीफुल सिलेक्ट करेंगे, मतलब वाक्य बनाएंगे तो इसका प्रयोग होगा। और यहाँ पे और मोहिनी सोहिनी और सीता दोनों से अधिक सुंदर है, या सीता अपने क्लास में सबसे, या मोहिनी जो है अपने क्लास में सबसे सुंदर है, तो यहाँ पे हम लोग मोस्ट ब्यूटीफुल कर देंगे। तो फिर आपको ये नियम समझ में आ गया होगा, इसमें क्या क्या करना है। जैसे इसमें बस तीन ही वाक्य आता है फ्रेंड्स, तीन ही वर्ड है, और इसमें मोर ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, और यहाँ पे करेजस, CoURAGES करेजियस, साहसी, मोर करेजस और मोस्ट कवरेज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे समझ में आ गया होगा डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। और यहाँ पे आपको इसका नियम है फ्रेंड्स, ये छठा नियम है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये लास्ट नियम है, इसको आपको देखना चाहिए अच्छी तरह। कुछ एडजेक्टिव ऐसी जिनकी कॉम्परेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाने की में उपयुक्त नियमों में से कोई भी नियम नहीं लागू होते फ्रेंड्स, बहुत ही हार्ड है ये, टिप टफ है। जैसे मान लीजिए गुड पॉजिटिव है और कॉम्परेटिव सुपरलेटिव, और गुड अच्छा, बेटर बेस्ट, बैड और ओस्ट, लीटर लीटर, जैसे लिटिल है फ्रेंड्स, लिटिल नहीं, लिटिल लेस लिस्ट। फ्रेंड्स ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये वाला है, तो इसमें आपको जैसे ज़्यादा कुछ करना नहीं था फ्रेंड्स, इसमें जैसे मान लीजिए आई हो गया, मान लीजिए कंसोनेंट आपको देखना पड़ता था कि, और उसके बाद आई वावेल है, तो हम लोग इसको डबल कर देते थे, आई या लगा देते थे, तो ये सिंपल है। और उसी प्रकार ये वाला जो है ये आपको तीनों फॉर्म में आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये जो है आपको मतलब पाँच छः बताऊँगा इस अगले पन्ने पर भी है, उसमें ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है, मतलब ये ब्यूटीफुल से भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जैसे गुड का हम लोग प्रयोग करते हैं, गुड बेटर बेस्ट, बैड का बुरा, ओर्स ओस्ट, यहाँ पे जैसे WORS ही ओर्स है, और यहाँ पे फ्रेंड्स लिटिल है लेस लिस्ट। तो आपको हम अगले पेज पे ले चलते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे फ्रेंड्स आप समझिए, यहाँ पे समझिए मच अधिक, मोर मोस्ट मात्रा, मतलब इसकी जो मात्रा है अधिक हो सबसे अधिक, और मैनी बहुत से, मोर मोस्ट लेट का हो जाएगा देर का, बाद देर या बाद का, जैसे बाद में या लेट का, देर का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये तीनों फॉर्म याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, तो इसमें बहुत ही सिंपल ये वाला लेट का, मतलब इसमें आपको चाहे लेटर बोलिए चाहे लेटर, मतलब डबल टी कर दीजिए चाहे सिंगल टी, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे जैसे लेटेस्ट, और यहाँ पे चाहे लास्ट बोलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैनी मोर मोस्ट लेट लेटर लेटेस्ट ओल्ड ओल्डर ओल्डर। फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे इल्डर बोलिए चाहे ओल्डर बोलिए कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे ओल्डर या इल्डेस्ट एकदम बोल सकते हैं आप कोई भी। और आप ऐसे ये वाला याद रखिए ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, मतलब ये वाला जैसे इसी की तरह मिल रहा है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। और वेल वेलर वेल का हो जाएगा यानी कि अच्छा, बेटर बेस्ट। फ्रेंड जैसे चाहे यहाँ पे गुड लिखिए तभी आपको ये कॉम्पिटेटिव में यही रहेगा, और बेस्ट भी यही रहेगा, और चाहे यहाँ पे वेल लीजिए, वेल वाला ठीक होता है, अच्छा होता है। तो फिर उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप हमारे चैनल पावरफुल स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए।